हेलो बच्चों, वैद्य एजुकेशन आपका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग तीसरे वीडियो में देख चुके हैं, 10 क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड के आए हुए बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगला क्वेश्चन अगले इस वीडियो में भी आपको 10 से 12 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो कि आपके बोर्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और वो लगभग लगभग आपके बोर्ड में आ भी सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आए हुए सारे के सारे क्वेश्चन हैं, बहुत ही अच्छे और बहुत ही उम्दा क्वेश्चन होते हैं। हाय, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन कह रहा है वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध बताना है बच्चों। वैद्युत फ्लक्स और वैद्युत क्षेत्र में संबंध बताना बच्चों। हम लोग जानते हैं बच्चों, एक फार्मूला होता है फाई ई इज इक्वल टू होता है, गॉस का परिमेय फाई ई इक्वल टू होता है इंटीग्रल ऑफ ई सदिश इंटू डॉट डी ए सदिश। ये आपका फार्मूला होता है बच्चों, और यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करते हो तो ई ए आता है बच्चों, तो ई इंटू ए आता है। ये आपका कांस्टेंट रहेगा तो ई इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, डी ए एरिया का जो कौन किसी पृष्ठ का मान लें ए है तो पूरा इंटीग्रेशन हो गया उसका एरिया ए आता है। तो यहाँ से फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए आता है बच्चों। और जैसे ये गॉस का आपने बताया था, गॉस का नियम है कि अगर जो किसी बंद पास में देखा जाए तो बंद पास में जो आवेश होता है, किसी बंद पास में जो आवेश होता है उस आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना अगर हम कर दें तो वो उसमें से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स के बराबर होता है बच्चों। तो फाई ई निकल के आता है, जो कि पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा बच्चों। बस यही लाइन आपको लिखना था, इसमें यही संबंध बताना था, ये आपका संबंध हो जाता है बच्चों। ये एक्स्ट्रा में आपको हमने बता दिया ताकि आपको याद रहे कि ये आपका गॉस का नियम होता है बच्चों। अगले सीरीज के दूसरे क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। इसमें कह रहा है किसी यादृच्छिक पृष्ठ में से कोई द्विध्रुव परिबद्ध है, इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। बच्चों कोई यादृच्छिक पृष्ठ हम मान लेते हैं, तो आप जानते हैं द्विध्रुव में क्या होता है, द्विध्रुव होता क्या है, द्विध्रुव जो बच्चों होता है वो समान आवेश होने चाहिए परंतु विपरीत होने चाहिए, आवेश समान हो परंतु विपरीत हो। जब आवेश समान हो और विपरीत, द्विध्रुव में क्या होता है आवेश दोनों समान होते हैं उसे अल्प दूरी पर रख देते हैं तो एक निकाय जो बन गया था उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और यहाँ से अगर जो हम टोटल आवेश निकालें, क्यू कुल निकालें, तो इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो माइनस क्यू प्लस क्यू इक्वल टू हो जाता है जीरो। यानी टोटल आवेश इसमें बहने, टोटल आवेश जो निकलने वाला है वो आपका जीरो हो गया। तो फाइ इसमें से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या जो हो जाएगी जीरो बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, जीरो आ जाएगी। यानी इससे निकलने वाले फ्लक्स जो हो जाएंगे वो जीरो हो जाएंगे बच्चों। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक बंद पृष्ठ के भीतर यल वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं, तो कह रहा है उससे निकलने वाले बंद पृष्ठ से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है बच्चों। तो यहाँ से अगर हम कोई बंद पृष्ठ ऐसे मान लेते हैं कि ये कोई बंद पृष्ठ है, अब इसमें ढेर सारे द्विध्रुव रखे हैं, जैसे मान लेता हूँ एक द्विध्रुव प्लस माइनस वाला ये रखा हुआ है, एक द्विध्रुव मान लेता हूँ यहाँ रखा गया है, ढेर सारे द्विध्रुव रखे हुए हैं, जैसे क्यू वन क्यू टू मान लें इस तरीके से, ऐसे एक द्विध्रुव और रखा है, मतलब ढेर सारे द्विध्रुव रखे हुए हैं, आवेश अलग अलग हम मान सकते, द्विध्रुव के आवेश समान होंगे विपरीत आवेश हो जाएंगे, तो इस तरीके से ढेर सारे आवेश रखे तो सभी आवेशों को जोड़ेंगे तो ये वाला जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा, ये वाला जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा। यानी कुल आपका जो आवेश हो जाएगा इस बंद पृष्ठ में द्विध्रुवों का कुल जो आवेश हो जाएगा बच्चों, कुल आवेश वो हो जाएगा मिला मिलाकर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से जो फाई ई इज इक्वल टू निकल के आता है फार्मूला होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट गॉस का नियम है, तो फाई ई की वैल्यू जो बच्चों हो जाएगी इस पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या, चूंकि इस पृष्ठ के अंदर कोई आवेश रहेगा ही नहीं बच्चों, इसीलिए यहाँ जीरो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट की, यहाँ से निकलने वाले जो फ्लक्स की संख्या हो जाएगी, यहाँ से जितने भी फ्लक्स निकलेंगे कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा क्योंकि इसमें कोई भी आवेश नहीं है बच्चों, इसलिए इसमें से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। चौथा क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है, अनंत विस्तार के आवेशित चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। बाबू अगर जो हम एक अनंत विस्तार का बहुत बड़ा अनंत है मान लेता हूँ, ऐसे अनंत विस्तार का कोई चादर है और इसके बगल में हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र ई का
मान निकालना है। अगर जब इसका आवेश भर हम सिग्मा निकाल लें तो अगर इस पॉइंट पर हम निकालेंगे तो इसकी जो वैल्यू ई की निकल के आती है वो होती है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है बच्चों। ये फार्मूला जो होता है किसी अनंत विस्तार चादर के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आती है, यदि इस चादर का हम आवेश घनत्व सिग्मा मान लें तो इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा होता है एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश या एकांक क्षेत्र पर उपस्थित आवेश को हम क्या कहते हैं बच्चों, सिग्मा कहते हैं। तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए भी रख सकते हैं। पांचवे क्वेश्चन कहते हैं बच्चों, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है एक अनंत रेखीय आवेश 2 मीटर दूरी पर 4.5×10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखीय आवेश घनत्व की गणना करनी है बच्चों। रेखीय आवेश घनत्व इस क्वेश्चन में निकालना है बच्चों। क्वेश्चन आपको यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ मिल जाएगा बच्चों, उसके लिए आप परेशान नहीं होंगे बिल्कुल। तो यहाँ से आपको दिया हुआ है अनंत रेखीय एक चालक तार है और इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई पॉइंट है, स्मॉल आर दूरी पर उस आर की वैल्यू दी है 2 मीटर और जो वैद्युत क्षेत्र दिया है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र कितना दिया है बच्चों, 4.5×10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र दिया है बच्चों। आपको निकालना है इस तार का आवेश रेखीय आवेश घनत्व यानी लैम्डा निकालना है और अनंत चालक तार के कारण किसी बिंदु पर हमको जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसका फार्मूला होता है बाबू 1/4πε0 2λ/r। ये फार्मूला होता है बच्चों। तो E की वैल्यू हो जाएगी 4.5×10⁴ और इसकी वैल्यू होती है बच्चों 9×10⁹ बच्चों इंटू लैम्डा की वैल्यू निकाली है, आर की वैल्यू 2 मीटर दी हुई है बच्चों, आर की वैल्यू 2 मीटर दी हुई है, 202 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए 4×5 = 4.5 × 4.5 = 9 होता है बच्चों, 4.5×5 = 4.5 × 4.5 = 9। यहाँ से सॉरी बच्चों, ये 10⁴ दिया है बच्चों, अब ये 10⁹ जो है इसको नीचे ले आएंगे, ये 2 का गुणा है इसको भी नीचे ले आएंगे तो लैम्डा की वैल्यू 1/2×10⁴ / 10⁹ हो जाएगी बच्चों। 10⁹ को ऊपर ले जाएंगे बच्चों तो लैम्डा इक्वल टू 1/2×10⁴ × 10⁻⁹ हो जाएगी बच्चों। -9 में से 4 निकालेंगे बच्चों हो जाएगी 1/2 का मतलब 0.5×10⁵5 बच्चों, 10⁻⁵5 कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा बच्चों, इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा। अब यहाँ से एक दशमलव को और अगर जब इस तरफ करें तो 10⁻⁰ को जब कभी हम दाहिनी ओर ले जाएंगे तो 10⁻⁻ में और एक पावर बढ़ जाता है तो एक अंक तक उसका तो 1.0×10⁵5 पहले से तक एक और माइनस बढ़ जाएगा तो 10⁻⁶ कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा बच्चों। ये आपका रेखीय आवेश घनत्व हो जाएगा बच्चों। रेखीय आवेश घनत्व जो होता है बच्चों, उसको हम लैम्डा से प्रकट करते हैं और ये होता है एकांक लंबाई में उपस्थित समस्त आवेश रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। एकांक लंबाई में उपस्थित संपूर्ण आवेश रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है बच्चों। छठवां क्वेश्चन कह रहा है बाबू, छठवें क्वेश्चन में कह रहा है दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समीप तथा समांतर रखी हैं। दो धातु की प्लेट है बड़ी सी और ये दोनों समांतर प्लेट ऐसे रखी गई हैं बच्चों, ये दोनों समांतर प्लेट ऐसे रखी गई हैं। कह रहा प्लेटों पर आवेश घनत्व जो दिया हुआ है, आवेश घनत्व को सिग्मा कहते हैं बच्चों। आवेश घनत्व का मान दिया है 17.7×10⁻²⁰ कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि आवेश घनत्व जो होता है क्षेत्रफल एकांक क्षेत्र में उपस्थित संपूर्ण आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है, इसे पृष्ठीय आवेश घनत्व भी कह सकते हैं बाबू। तो सिग्मा इक्वल टू 17.7×10⁻²⁰ दिया हुआ है। इसका कह रहा है प्लेटों पर आवेश घनत्व कितना दिया हुआ है तथा विपरीत चिन्हों का है, एक पर प्लस है और एक पर माइनस है बाबू, एक पर प्लस है एक पर माइनस है।
तो कह रहा है प्लेटो के बीच वैद्य क्षेत्र की गणना करनी, यहाँ कोई पॉइंट है इस पर वैद्य क्षेत्र की गणना करनी है, तो इस प्लेट के कारण वैद्य क्षेत्र प्लस है, तो प्लस के कारण हमेशा वैद्य क्षेत्र बाहर क्यों लगेगा बाबू, और इसको ईवन मान ले, और वाई से कारण वो अपनी तरफ हमेशा खींचता है, तो ई टू के कारण यहाँ भी ई टू लगेगा, तो संपूर्ण ई जो निकल के आ जाएगा ई बराबर ईवन प्लस ई टू हो जाएगा, दोनों एक दिशा में लग रहा है, और एक प्लेट के कारण जो आएगा बाबू एप्सिलॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों का हर बराबर है बाबू, टू एप्सिलॉन नॉट होता है, दोनों का हर बराबर है बाबू, एक प्लेट के कारण सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट होता है, दोनों एक ये वाला इसके कारण हो जाएगा और ये वाला इसके कारण, चूंकि दोनों का आवेश ग्रोथ सिग्मा दिया हुआ है बच्चों, क्योंकि दोनों प्लेट समान है बच्चों, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आपका हर समान हो गया वो, दोनों को जोड़ लें सिग्मा सिग्मा टू टाइम्स ऑफ सिग्मा टू से तुम्हारी कैंसिल आउट कर जाएगा बच्चों, तो ई इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा सिग्मा की वैल्यू आपको दे रखी है पहले 17.7 × 10 के पावर माइनस 22 बच्चों, बटे ई का मान होता 8.85 × 10 के पावर माइनस 12 बच्चों, तो यहाँ से वैद्य क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम आ जाएगा बच्चों, देखिए 8.85 का दूना करेंगे तो 17.7 आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ से जाएगा 10 के पावर ऊपर जाएगा बच्चों, तो 2 × 10 के पावर पहले से माइनस 22 है, 10 के पावर माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस में 12 हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ से 2 × 10 के पावर 22 में से 12 निकालेंगे माइनस 10 हो जाएगा बच्चों न्यूटन प्रति कूलम, तो ई का मान बच्चों आ जाएगा 2 × 10 के पावर माइनस 10 न्यूटन प्रति कूलम होगा बच्चों। सातवें क्वेश्चन करते हैं बच्चों, सातवां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए क्वेश्चन और कई बार पूछा है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है और लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। एक बूंद जिसका द्रव्यमान 4.8 × 10 के पावर माइनस 10 ग्राम है तथा जिस पर आवेश 2 × 10 के पावर माइनस 18 कूलम है, दो क्षैतिज तथा आवेशित प्लेटों के बीच संतुलन अवस्था में लटकी है, इसका अगर प्लेटों के बीच में बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर दी हुई है, दोनों प्लेटों पर के बीच विभवांतर निकालना है, दो प्लेट रखी हुई है बच्चों और इसका द्रव्यमान दिया हुआ m बराबर दिया हुआ है बच्चों, एक बूंद जिसका द्रव्यमान दिया हुआ है, बूंद का द्रव्यमान 4.8 × 10 के पावर माइनस 10 ग्राम, तो इसको हम किलोग्राम में पहले बना लेते हैं बच्चों, 8.8 × 10 के पावर माइनस 10 ग्राम को किलोग्राम छोटे मात्रक से बड़े मात्रक में कन्वर्ट करने के लिए हमको 10 के पावर माइनस से गुणा करना पड़ता है, 10 के पावर माइनस 3 किलोग्राम हो जाएगा बच्चों, जैसे 4.8 × 10 के पावर 10 और 3 × 13 माइनस 13 किलोग्राम हो जाएगा बच्चों, एम की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई, और कह रहा है एक दूसरे के समीप तथा समांतर हैं और इस पर आवेश दिया है क्यू इक्वल टू दिया है बच्चों 2.4 × 10 के पावर 18 कूलम बच्चों, दो क्षैतिज तथा आवेश समांतर के बीच संतुलन के क्षैतिज ऐसे है और इसी के बीच में बच्चों ये बूंद लटकी हुई है, तो कह रहा है इन प्लेटों के बीच विभवांतर इनके बीच की दूरी दी हुई है डी, तो उस डी का मान दिया हुआ बच्चों 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इस सेंटीमीटर को हम मीटर बदलने के लिए सेंटीमीटर या किलोमीटर बदलने के लिए 10 के पावर माइनस 2 से गुणा कर देंगे बच्चों, क्योंकि छोटे से बड़े में जाएंगे तो माइनस से गुणा कर देंगे, इस बूंद को लटकाना है। अच्छा देखिए इस बूंद का एक द्रव्यमान होगा तो नीचे से पृथ्वी खींचेगी, तो नीचे पृथ्वी खींचेगी तो एम जी से खींचेगी, और चूंकि एक इस पर वैद्युत बल भी वैद्युत क्षेत्र है चूंकि प्लेटों के बीच में रखा तो वैद्युत क्षेत्र कार्य करेगा, और ये अगर जो एक नीचे वाले को हम प्लस मान लें इसको, चूंकि हमको इसको संतुलन में रखना है तो नीचे वाले को प्लस और ऊपर वाले को क्या रख देते हैं बच्चों माइनस रख देते हैं, तो इसका जो वैद्युत क्षेत्र इस पर लगने वाला जो बल होगा ऊपर की ओर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि संतुलन में है तो दोनों आपस में बल बराबर हो जाएंगे, तो एफ बराबर हो जाएगा आपका एम जी हो जाएगा बच्चों, और एफ की वैल्यू हम जानते हैं क्यू इंटू ई होता है बच्चों, फार्मूला हम लोग जानते हैं ई इक्वल टू एकांक आवेश
एकांत आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो यहां से बच्चों जब बराबर क्यू इंटू ई आया इंटू एम, एम की वैल्यू पहले से दे रखी है 4.8×10^-13 किलोग्राम। जी का मान होता है बच्चों आप लोग जानते हैं 9.8 सेकंड होता है बच्चों। और हमको विभव निकालना था, क्यू की वैल्यू इधर कर देंगे, विभव बी अपॉन डी होता है बच्चों। हम जानते हैं ई बराबर होता है बच्चों बी अपॉन डी होता है बच्चों। तो ये फार्मूला यहाँ लगा देंगे और क्यू को नीचे भेज देंगे। तो यहाँ से क्यू को नीचे भेजेंगे तो 4.9×8×10^-13 क्यू की वैल्यू आपको दे रखी है बच्चों 2.4×10^-18। देखिए 24×2 48 होता है बच्चों, 10 इधर हटा देंगे 24×2 48 होता है बच्चों। इस डी का गुणा कर देंगे तो यहाँ से विभव निकल जाएगा बच्चों। इसका गुणा करेंगे तो 2×6 = 16, 2×9 = 18 और 19 1×10^-13 है बच्चों। और इसको ऊपर ले जाएंगे बच्चों तो ये प्लस में हो जाएगा बच्चों 10^18 और डी का यहाँ से गुणा करेंगे बच्चों और डी का मान 1×10^-2 हो जाएगा। पावर को पहले समेट लेते हैं बच्चों, 10^-13, 10^-2 दोनों 15 हो जाएगा, 18 में से निकल जाएगा, 10^3 बचेगा प्लस में। तो बी बराबर 19.6×10^3 वोल्ट, ये आपका आंसर निकल के आएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन जो यहाँ का आएगा वो आपको घर पे बैठ के आराम से पेन और कॉपी बैठ कर आराम से करना। यहाँ क्वेश्चन अभी लगा दिया जाएगा बच्चों, इस क्वेश्चन को आप देखकर बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। आठवें क्वेश्चन पे हम आते हैं बच्चों, आठवां क्वेश्चन है कह रहा है 4500 फ्लक्स रेखीय किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही है तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं। कह रहा उस क्षेत्र के भीतर आवेश कितना होगा, जैसे कोई क्षेत्र है और इस क्षेत्र में 4500 बैग फ्लक्स आ रही हो और 2500 बैग फ्लक्स रेखाएं जा रही हो निकल रही हैं। तो सबसे पहले फ्लक्स निकाल लेंगे जा कितनी रही है, अंत में कितनी जा रही है, 2500 निकल जा रही है और 4500 प्रवेश की जा रही है। तो इसके फ्लक्स की चूंकि रेखाओं की संख्या को फ्लक्स कहते हैं तो यहाँ से इसका मान निकल जाएगा -2000, ये फ्लक्स आ जाएगा बच्चों, ये फ्लक्स आ जाएगा बच्चों। चूँकि फाइव ई की वैल्यू होती है बच्चों क्यू अपॉन एप्सिलॉन बंद पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स की, फ्लक्स जो होता है फाइव ई गॉस का नियम, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाइव ई का मान दिया बच्चों 2000 = Q, इसी क्यू का मान निकालना है। इसका मान होता है बच्चों 8.85×10^-12 न्यूटन कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है बच्चों। इसका पीछा गुणा करेंगे क्यू का मान निकल जाएगा माइनस में, देखिए 10^5, देखिए 2 + 3 = 0 है प्लस में, तिरछा गुणा करेंगे 3 खत्म हो जाएगा, 10^3 तो खत्म हो जाएगा, 10^-9 बचेगा। अब इस 2 का यहाँ गुणा कर देंगे, 2×5 = 10, 2×8 = 16 और 1×17 = 17 दो अंक बाद 2 लगा देंगे, 10^-9 कूलाम, ये आपका आवेश निकल के आ जाएगा बच्चों। नवे क्वेश्चन में कह रहा है कूलाम का वैद्युत बल संबंधित, कूलाम का नियम जानना है, वैद्युत बल जानना है। तो कूलाम का नियम क्या होता है बच्चों, किन्हीं दो बिंदु आवेश, कोई दो बिंदु आवेश हो और दोनों या तो स्थिर हो या तो एक रुका हुआ है और एक गति कर रहा है और इसे किसी दूरी आर पर रख दे, सब प्रेशर इसके बीच की जो दूरी होती है उसको आर पर रख दे। तो कूलाम साहब ने कहा था कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के जो बल होगा वो आकर्षण या प्रतिकर्षण कुछ भी हो सकता है, ये प्लस प्लस में हो सकते हैं, माइनस माइनस भी हो सकते हैं या माइनस प्लस में भी हो सकते हैं। तो जो बल होगा इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होगा एफ इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है। इन दोनों को हम जब मिलाते हैं तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल q1 q2 r² इस समानुपाती को हटा दे तो एक नेता भी निकल जाता है 1/4 πε₀, ε₀ निर्वात की विद्युतशीलता होती है बच्चों q1 q2
आर स्क्वायर होता है बच्चों, यानी ये आपका कूलॉम का नियम निकल के आता है, जहां 1/4 πε0 का मान होता है 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर, इतना मान होता है। यही आपको बताना था, एक बार फिर से इसको समझेंगे। इन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको आप वीडियो स्लो करके रोक कर देख सकते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा एवं मात्रक लिखना है बच्चों। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, हम फार्मूला जानते हैं ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। ये क्यू नॉट जो होता है बच्चों, ये परीक्षण आवेश होता है, इसको एकांक आवेश मान लेते हैं। तो एकांक आवेश मानते हैं, तो एकांक आवेश पर जो लगने वाला बल होता है उसको वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। परंतु कुछ किताबों में ये फार्मूला लिखा गया है, लेकिन ये वास्तव में सही ना मानकर हम एनसीईआरटी के फार्मूले को देखें तो एफ बराबर ई इंटू क्यू नॉट होता है। यहाँ कहता है जो बल है वो वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न हो रहा है, जबकि यहाँ इस फार्मूले का अर्थ है कि ये जो बल है इस बल के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, जबकि वैद्युत क्षेत्र के कारण बल उत्पन्न होता है। ये फार्मूला हमारा सही माना जाता है, लेकिन परिभाषा में एकांक आवेश में एकांक आवेश पर लगने वाला जो बल होता है उसी को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं बच्चों। तो ये भी आप लिख सकते हैं। इसका मात्रक अगर जो देखें बच्चों, तो मात्रक हो जाएगा, बल का मात्रक होता है बच्चों न्यूटन, और आवेश का मात्रक होता है बच्चों कूलॉम। तो न्यूटन प्रति कूलॉम इसका मात्रक हो जाता है बच्चों। न्यूटन की बीमा होती है बच्चों, बीमा का जो एम एल टी पर माइनस टू होती है, और कूलॉम की ए टी होती है बच्चों। यहाँ से उस इन दोनों को ऊपर ले जाएंगे तो एम एल टी एक प्लस में ऊपर जाएगा माइनस में, तो एम एल टी पर माइनस थ्री और ए पर माइनस वन इसकी बीमा निकल के आती है बच्चों। तो यहाँ से ये 10 क्वेश्चन आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है और आ भी सकते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। और आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे, अभी भी इस इलेक्ट्रिक चैप्टर के जो सीरीज है अभी भी खत्म नहीं हुए, अभी भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन बहुत अखिलक उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं जो आगे वीडियो में आपको कराए जाएंगे। छोटे छोटे वीडियो बनाए जा रहे हैं 20 मिनट 35 मिनट, ताकि आप बोर ना हो बच्चों, और आप अच्छे से इन सभी को अच्छे से सभी बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि बहुत से सारे बच्चे लाभ उठा सके इस इन सब वीडियो का। जय हिंद, जय भारत।